All right, so hey guys, once again, welcome back to another amazing video of Road Rasher Rishabh. So in just the ahead of the festive season, KTM ने भी अपने कलर्स बदले हैं और यहाँ पे हुस्क्वर्ना ने भी अपने कलर बदल दिए हैं. और पहले जो आपको सिल्वर मेटालिक कलर देखने को मिलता था उसको रिप्लेस करके यहाँ पे आपको क्रेमिक वाइट कलर देखने को मिल जाता है विड पिलियन में. और शॉर्ट पिलियन में ब्लैक ब्लू मोनो शाइन करके कलर निकाला है, वो भी जब आएगी मैं उसको भी फीचर करूँगा अपने चैनल पे. अभी मेरे सामने खड़ी है विड पिलियन यहाँ पे 250 और इस आपका कुछ कलर आपको देखने को मिल जाता है. इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक आपको वाइट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे ब्रांडिंग ब्लैक देखने को मिल जाएगी ग्रे के अंदर. और इधर साइड आपको ग्रेश कलर देखने को मिल जाएगा जो कि ग्लॉसी में है. काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग करी गई है, काफ़ी बढ़िया लग रही है दूर से देखने में. कॉन्ट्रास्ट रेशियो बढ़ाया गया है ताकि दूर से बाइक समझ में आए. और इधर आपको मैट में देखने को मिल जाता है हुस्क्वर्ना की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है. और कीज़ एक बार दिखा देते हैं, कीज़ कुछ इस हिसाब देखने को मिल जाती है. राइट, चीज़ें सब वही हैं, कोई चेंज नहीं किया गया है. इंस्टेंट ऑफ द कलर को चेंज करके बाकी सब चीज़ें वही रखी गई हैं. और इस आपका कुछ लुक देखने को मिल जाता है आपको इस मोटरसाइकिल का. काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, काफ़ी प्रीमियम लगी दूर से देखने में. और जो रोड प्रेजेंस है वो भी काफ़ी बढ़ा दिया गया इस मोटरसाइकिल का. यहाँ पे आपको हुस्क्वर्ना की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है. फटाफट हम लोग स्पेसिफिकेशन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं. तो स्पेसिफिकेशन में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है. राइट, यहाँ पे आपको 250 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलता है, लिक्विड कूलिंग के साथ आपको देखने को मिल जाता है. एंड जो कि पूरा मोस्ट प्रोबेबली इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो अपनी ड्यूक 250 एंड एडवेंचर 250 से बिलोंग करते हैं. और यहीं पे आपको 31 HP देखने को मिल जाती है, 24 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, 6 स्पीड की मैनुअल गेयरबॉक्स देखने को मिल जाती है. असिस्ट एंड स्लीपर क्लच दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं. WPK सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं इस मोटरसाइकिल में. और जो कि KTM भी अपने यूज़ करती है, ऑल्दो हुस्क्वर्ना KTM का एक पार्ट है. और एक और कंपनी है गैस गैस, वो भी KTM का पार्ट है. अगर आपको पता होगा गैस गैस कंपनी के बारे में, अगर नहीं पता है तो मैं और बता दूं, जो KTM का एक और कंपनी हैंडशेक करके रखा है वो गैस गैस भी है. अब इंडिया में नहीं है, मे बी हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिले. यहाँ पे LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया लगती है, कुछ डिफरेंट लगती है पीछे से. और जो कि हगर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको कोई टेल टाइडी नहीं देखने को मिलती है, तो कुछ डिफरेंट लुक देती है मोटरसाइकिल. और जिस आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता है ऐसा लगता है कोई डिफरेंट एग्जॉस्ट है, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट देखने को लगता है. अलग ही मोटरसाइकिल लगती है, कैफे रेसर टाइप, एक मॉडर्न कैफे रेसर हम लोग कह सकते हैं इस मोटरसाइकिल को. ट्रेलिस फ्रेम आपको ब्लैक देखने को मिल जाता है. तो बेसिक स्पेसिफिकेशन मेरे को बतानी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. बाकी हम लोग प्राइस के ऊपर कवर कर लेते हैं. तो क्या होने वाला है इस मोटरसाइकिल का ऑन रोड प्राइस, तो इस मोटरसाइकिल का ऑन रोड प्राइस 258,000 है. अगर आपको KTM या हुस्क्वर्ना दोनों ही देखनी है तो आप इस शोरूम पे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी. हुस्क्वर्ना के साथ साथ अगर KTM का कोई और भी प्रोडक्ट देखना है तो अभी आपको देखने को मिल जाएगा सोसाइटी मोटर्स KTM में. तो कॉन्टैक्ट करिए, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करिए. सारी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी विद गूगल मैप लिंक. सो यहाँ से हम लोग वीडियो एंड करते हैं. सो आपको बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा. बाकी हम लोग वीडियो यहाँ से एंड करते हैं. साइनिंग आउट फ्रॉम हियर. सो वीडियो से दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, डोंट यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.